బీటీఎస్ న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం. అంబేద్కర్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముషీరాబాద్ శాసనసభ అభ్యర్థి అర్షియా ఖాతూన్ ఈరోజు ఇంటింటి ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ముషీరాబాద్లో మంచినీటి సమస్యతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారని మరియు పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ రావడం లేదని, ఇలా ఎన్నో సమస్యలు తాను ప్రజల నుండి అడిగి తెలుసుకున్నానని అన్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో అంబేద్కర్ నేషనల్ పార్టీ గుర్తు అయిన గ్రామ్ఫోన్ గుర్తుకు ఓటు వేసి గెలిపిస్తే వారి సమస్యలకు పరిష్కారం చూపే దిశగా కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా ఆమె అన్నారు. చూస్తూనే ఉండండి బీటీఎస్ న్యూస్. मेरा नाम अर्शिया आमिरा खान है. मैं अंबेडकर नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ मशीराबाद 57 से हल्के से कॉन्टेस्ट कर रही हूँ. पिछले पदयात्रा के दौरान यहाँ के काफ़ी हालात का सामना हुआ और हमें किसी की बातें सुनने का भी मौका मिला. यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, खासकर गोलखपुर स्लम एरिया बस्ती में जो पानी का मसला है और मोरियों का मसला है, काफ़ी लोग परेशान हैं. यहाँ की हुकूमत 20 साल से हम कंप्लेन कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा. तो इंशाल्लाह हम जब कामयाब होंगे, हमारी जज्बा है कि हम लोगों की, आवाम की खिदमत करें. अगर हमारे ग्रामोफोन, हमारा निशान है, इम्तियाजी निशान ग्रामोफोन है हमारा, और 5वें नंबर लिस्ट पर ईवीएम मशीन पर आएगा, ज़रूर इस पर बटन दबा के मुझे कामयाबी दें और इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप सबका साथ दूंगी, आप सबके मसाइल को हल करूंगी. मशीराबाद हलके में खासकर पहाड़ी मस्जिद की तरफ गोलखपुर पे मैं गई थी, तो डोर टू डोर जब लोगों का सामना हुआ, वहाँ के कब्रिस्तान की शिकायत मिली, 360 मरतबा हमने कंप्लेंट की और यहाँ पे जो चोरियाँ होते हैं उसके मसाइल भी बहुत सारे हैं. यहाँ की हुकूमत क्या कर रही है, MLA सीट लेता और करते कुछ नहीं. जब हम वोट के लिए गए तो वो लोग उनका यही सवाल था कि हमको 300 रुपये में वोट दो बोल के आए थे. 300 रुपये हमें, हम क्या करेंगे. लेकिन आवाम की जो 300 रुपये में वोट खरीद कर बैठ जाते हैं और आवाम की खिदमत नहीं करते, तो फिर उनके हुकूमत बेकार है. KCR साहब कई वादे किए जो पूरे कर नहीं सके, जैसे 12% मुसलमानों के लिए तहफ़ात की बात हुई और आवाम के लिए डबल बेडरूम फ्लैट का बात हुई, कुछ नहीं दिए. और सब्सिडी लोन्स वगैरह माइनॉरिटी की तरफ से सारी बातें रह गई. KCR साहब का एक काम पूरा होता नहीं और दूसरा शुरू हो जाता. बोलते ना, जो चार काम करने जाता वो कुछ भी नहीं कर सकता. इसलिए काफ़ी आवाम परेशान है. हमको अगर आप मौका दें, हम तमाम आपके गवर्नमेंट के जो हकूक़ है माइनॉरिटीज़ के वगैरह तमाम इंशाल्लाह दिलाएंगे. आप ज़रूर मुझे कामयाब बनाइए. ग्रामोफोन मेरा निशान है और हमारे सदर नवाब काजिम अली खान साहब जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ. जो मैं एज ए एम एल ए कैंडिडेट 57 मशीराबाद से कॉन्टेस्ट कर रही हूँ. 8 तारीख जुम्मे का दिन मत भूलिए. आप फजर की नमाज़ पढ़ के फौरन बाहर आइए और वोट देना मत भूलिए. घर से बाहर निकलिए, अभी भी वक्त है. आप कोशिश करिए. कई लोगों की ये भी शिकायत थी कि हमारे को चिट्ठियाँ नहीं आए, वोट कैसा डालना, किसी का वोटिंग आईडी वोटर आईडी भी नहीं है. तो आप जा सकते हैं अपना आधार कार्ड लेके, वहाँ पे हमारे हेल्प डेस्क रहेगा, हमारे एजेंट रहेंगे, आपकी मदद करेंगे. आप ज़रूर वोट डालें, भूलें ना. 7 दिसंबर जुम्मे का दिन फजर के बाद ज़रूर जाएं और भूलें ना. 5 नंबर पे ज़रूर बटन दबाएं और मुझे कामयाब बनाएं. ड्रामा निशान है इम्तियाजी. लोगों के कई मसाइल सुनने के बाद बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे MLA क्या कर रहे हैं, उनके लिए वोट ले लेते और कुर्सी पे बैठ जाते लेकिन उनके हुकूक उन तक नहीं पहुंचाते. ये सरासर कोई भी धर्म में यह नहीं होता कि किसी का हक लें. इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मुझे एक मौका दें और मुझे कामयाब बनाएं. मैंने कई एजुकेशन और हेल्थ के पर भी सुनी मैं लोगों के वाक़े के इसके मसाइल हैं. बच्चों की फीस नहीं निकल सकते, स्कॉलरशिप बराबर नहीं आ रही और घरों के तकलीफ, पीने का पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है गोलखपुर वालों को. हर 3 दिन, हर 4 दिन, 5 दिन भी पानी वहाँ पर पीने का मैसर नहीं. लोग काफ़ी परेशान हैं. बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर और ये देखकर. हमारे डोर टू डोर जब हम कैनवेजिंग कैंपेन में गए तो लोगों से मुलाकात हुई मुख्तलिफ. अब अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस, अभी अम्बेडकर जी की मतलब डेथ 10 दिसंबर को अम्बेडकर जी ने हमारे कानून मंत्री पहले बनाए गए थे हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, और उन्होंने ख़वातीन के लिए बराबर हुकूक के लिए कानून के लिए लड़ा और नया कानून बनाया जिसे पहले सती हो जाती थी और दूसरी शादी वगैरह थी.
कई स्कीमत और एजुकेशन के अंबेडकर जी ने ही लाया है, मैं इसलिए अंबेडकर जी को सलाम करती हूँ। जय अंबेडकर, जय भीम। सर, खवातीन की जो प्रॉब्लम्स है वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, दोहरी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। मैं उनके लिए भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह कायम करूँगी इंशाल्लाह, और स्मॉल इंडस्ट्रीज कायम करेंगे खवातीन के लिए और कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर भूलना नहीं है कि जुम्मे का दिन सुबह 7 बजे वोट डालना ना भूलें। 5वां नंबर मेरा निशान है लिस्ट में, 5 नंबर ग्रामोफोन, ज़रूर याद रखें। और कांग्रेस एक ऐसी सियासी पार्टी है, सियासी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, वीलू अंदर अंदर कोसम चाला पनी चेस्तुन्नारु। ग्रामोफोन अर्शिया खातून को वोट मुशीराबाद असेंबली कांस्टिट्यूएंसी। अर्शिया आमेरा खातून को हल्के मुशीराबाद से MLA की सीट पर इंतखाब किया गया है। आवाम से गुजारिश की जाती है कि भारी अक्सरियत में उनको कामयाब बनाएं और नवाब काजी वली साहब के पार्टी को मजबूत कीजिए। अर्शिया आमेरा खातून का निशान ग्रामोफोन है, जुम्मे की सुबह सब वोट देना ना भूलिए, 7 तारीख का दिन।